श्री राम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों 10 नवंबर को है धनतेरस का पर्व और 12 नवंबर को है दीपावली का महापर्व। तो इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए इससे जुड़ी हुई तो कई सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही आप सभी को बता दिया है, लेकिन आज यहाँ मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ धनिये की। देखिए सोना चांदी तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन उनका क्या जो सोना चांदी खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो क्या उनके घर माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। छोटी सी चीज आपको लेने नहीं है, वो है धनिया। धनिये के जो बीज आते हैं उनको आप धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन धनिया जरूर अपने घर खरीद कर लाए। आपने कई सारे वीडियोस में सुना होगा, मैंने खुद ने भी बताया है कि आप झाड़ू खरीद कर लाए, आप नमक खरीद कर लाए, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़ा सा ही धनिया, 50 ग्राम धनिया ही खरीद कर लेकर आए। धनिया का जो बीज होता है वो लाना है आपको, पाउडर में नहीं बल्कि बीज में लाना है, क्योंकि धनिये के अंदर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उनका स्वरूप पहले से ही विद्यमान होता है। देखिए धनतेरस का अर्थ क्या होता है? धनतेरस का अर्थ होता है 13 गुना ज्यादा धन में बढ़ोतरी, प्रभाव। तो आप यकीन मानिए धनतेरस के दिन आप जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे गेहूं खरीदते हैं, सोना चांदी धनिया जो भी खरीदते हैं जिनमें पहले से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान हो, ऐसी अगर कोई भी चीज खरीद लेते हैं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। माता लक्ष्मी सीधे सीधे आपके घर में आगमन हो जाता है इन सामग्रियों के माध्यम से। तो क्या आप खाली हाथ ही ऐसे ही जाने देंगे इस साल का धनतेरस? बिल्कुल नहीं। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है या सामर्थ्यवान है, दोनों ही कंडीशन में आपको थोड़ा सा धनिया अपने घर लाना है। अब कब लाना है, इसका क्या करना है, कैसे इसको प्रभावित करना है, कैसे इसे सिद्ध करना है, उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलिए। देखिए धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त है, मैंने अपने चैनल पर पहले भी बताया है, शुभ मुहूर्त में आप लाते हैं धनिया खरीद कर, चाहे 50 ग्राम ही लेकर आए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा पूरा का पूरा दिन ही शुभ होता है खरीदारी के लिए धनतेरस पर। आपको क्या करना है, मार्केट से जा करके एकदम खरे दाने धनतेरस के दिन जो धनिये के हैं वो खरीद कर अपने घर ले आने हैं। अब इसे क्या करना है, एक आपको मिट्टी का घड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का छोटा सा चाहे तो आप घड़ा ले लें, घड़ा ना मिल पाए तो छोटा सा कलश भी आप ले सकते हैं, उसमें एकदम अच्छे से साफ सुथरा जल भर लेना है। गंगा जल है तो वो थोड़ा सा डाल लीजिए, अन्यथा ओम गंगाए नमः बोलते हुए आपको उस कलश या फिर घड़े में जल भर लेना है। अब इसे आपको रख देना है पूर्व दिशा में एकदम साफ सुथरी जगह में। अब आपको लेनी है एक कटोरी और एक दीपक घी का जला करके आपको ले लेना है, और कटोरी में आपको डाल देना है धनिया। ठीक है, धनिया डालने के बाद आपको क्या करना है, इस कटोरी सहित आपको धनिये को उस घड़े के अंदर डाल देना है। कटोरी इसी साइज की आपको लेनी है कि वो पानी के अंदर धनिया और कटोरी दोनों अच्छे से डूब जाए। अब जब आपने कटोरी डाली तो धनिया होता है लाइट वेट, वो अपने आप पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंतित नहीं होना है, उसे वैसे ही डालना है। उसके ऊपर से आपको एक और ढक्कन से ढक देना है कलश को, और उसी के ऊपर आपको रखना होगा घी का दीपक। ठीक है, धनतेरस के दिन अगर आप ये काम करते हैं, मानकर चलिए कभी आपके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। माता लक्ष्मी की ही बहन है कुलक्ष्मी अलक्ष्मी, और अगर कुलक्ष्मी अलक्ष्मी आपके घर में होती है तो क्या आता है, दुख आता है, दरिद्रता आती है, कलेश आता है। तो आपको दरिद्रता को दूर करना है और माता लक्ष्मी का आगमन करना है, आवाहन करना है। तो जो आप धनिया लेकर आए हैं उसमें आराम से आप देखेंगे कि अगले दिन यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन उस घड़े में से आपको पानी को छान लेना है, यानी कि धनिये को बाहर निकाल लेना है। अब रात भर जब एक दिन के लिए आपने उसे घड़े में रखा था तो धनिया फूल चुका है। ठीक है, आपको इस धनिये को लेना है लाल रंग के कपड़े में, थोड़ा सा
धनिया आप अपने घर के किसी गमले में डाल दीजिए, ताकि जो धनिया है वो हरे पत्ते पौधे के रूप में उग जाए, और जो बाकी का धनिया है उसे पोटली बनाकर लाल रंग के कपड़े में बना करके आपको रखना है दीपावली के दिन। ठीक है, 3 दिन का ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। पहले धनतेरस के दिन आपको क्या क्या करना है मैंने बताया, नरक चतुर्दशी के दिन आप इसे बाहर निकालेंगे, और अगर आपके घर में जो गमला है थोड़ा सा वहां डाल देना है, और दीपावली वाले दिन जो बाकी का लाल रंग की पोटली आपने धनिये की पोटली तैयार की है, इसे आपको अपने घर के तिजोरी के अंदर रखना है। ठीक है, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे अपने घर के तिजोरी में रखेंगे तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। माता लक्ष्मी का कोई भी श्रीम जो बीज मंत्र होता है वो बोलने के बाद आपके घर से दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए जो भी भाव आपके मन में आ रहे हैं उसे बोलते हुए जहां पर भी आप अपने घर का सोना चांदी जो आभूषण है जो रखते हैं, पैसे रुपए जहां पर रखते हैं, वहां पर इस पोटली को रख देना है। अब ये पोटली कब तक रहेगी, तो अगली दीपावली तक आपको इस पोटली को रख देना है, और उसके बाद जब अगली दीपावली आएगी तो फिर से इसी चीज को रिपीट करना है। आप खुद देखेंगे 1 साल में कितना परिवर्तन आया है। उपाय को बिल्कुल ही ध्यान से करिएगा दोस्तों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पूरा साल आपका मेहनत में तो जाता ही है, लेकिन जो पैसा नहीं आता है ना वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन प्राप्ति के अलग अलग मार्ग खुलने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि धनतेरस के दिन जो भी चीज आप लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि धनतेरस के दिन महंगे सामान लाएंगे तो ही उसमें वृद्धि होगी। आपने धनिये के माध्यम से सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को अपने घर में ले आया है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पैसे रुपए में वृद्धि होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बाइक आपने खरीदा है तो 13 बाइक और आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएंगी, या आपने एक सोने का सिक्का लिया है तो 13 सोने के सिक्के आपको मिलेंगे। जी नहीं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अलग अलग रूप से आपके घर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन छोटे छोटे से उपायों को करके भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। धनतेरस और दीपावली दोनों ही साल में एक ऐसा पर्व आता है जब माता लक्ष्मी को आप पूरी तरीके से अपने घर में ला सकते हैं। कई लोगों की ये दिक्कत होती है कि लक्ष्मी आती है लेकिन टिकती नहीं है, तो वो भी टिकना प्रारंभ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। मार्गदर्शन अगर आपको पसंद आ रहा है और इसी प्रकार से आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं रोज अपने चैनल पर इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और आने वाले भविष्य में जो भी तीज त्योहार पड़ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी आप सभी तक लाती हूँ। तो वो जानकारी सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, दोस्तों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है, और अगर आप किसी के कष्टों को दूर करने में उनकी मदद करते हैं तो ऐसे में आपके भी कष्ट और तकलीफें, दुख, दर्द, पाप कटते हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।